नमस्कार, न्यूज सेवन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमर राठी। आइए चलते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों की ओर। शामली सदर कोतवाली के गांव कापड़ोत पुल के पास मेरठ कनाल हाईवे पर ट्रक में आग लगने से दो युवकों की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल घटना मेरठ करनाल हाईवे के कापड़ोत पुल की है। देर रात करीब 3 बजे कूड़े कचरे से भरा ट्रक पुल के पास पहुंचा तो तभी अज्ञात वाहन की साइड लगने से ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ट्रक धू धू कर जलने लगा और जिसमें बैठे दो लोगों की जलने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि कापड़ोत पुल के पास एक आयसर कैंटर DS1GCL1576 इसमें कागज की रद्दी भरी हुई थी। ट्रक में किसी वाहन की मामूली टक्कर लगने के कारण ट्रक में आग लग गई। इसमें ड्राइवर व कंडक्टर जो कि गाड़ी मालिक का भाई भी था, हादसे में जलकर मौत हो गई। ड्राइवर जेत्रा एटा ट्रक मालिक का भाई पूर्व दिल्ली का रहने वाला था। कापड़ोत के पुल के पास में करनाल रोड पे एक आयसर कैंटर था DL1GC 1576, इसमें कागज की रद्दी भरी हुई थी। ये आ रहा था, ये अचानक सामने वाली गाड़ी से छोटी मोटी टक्कर हुई है इसकी और उसके बाद इसमें आग लग गई। इसमें जो है इसका ड्राइवर और जो इसका कंडक्टर था, वो कंडक्टर जो था, कंडक्टर गाड़ी मालिक का भाई भी था, उन दोनों की इस हादसे में जो है जलकर मौत। सर कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ जा रहे? ये जैत्रा एटा के रहने वाला था एक ड्राइवर जो है, और जो उसका मालिक का भाई है वो जगतपुरी पूर्वी दिल्ली का था, गोविंदपुरा। शामली सदर कोतवाली पुलिस ने दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के नाम राहुल व पिंटू बताए जा रहे हैं। पकड़े गए दोनों बदमाश 5,000 के इनामी बदमाश हैं। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। पकड़े गए बदमाशों पर लूट व डकैती के कई मामले दर्ज हैं। शामली पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के खेड़ी करमू गांव का है, जहां से शामली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के नाम राहुल व पिंटू बताया जा रहा है। पकड़े गए दोनों बदमाश 5,000 के इनामी बदमाश हैं, जो लूट डकैती की कई घटनाओं में वांछित चल रहे थे। बदमाशों से एक तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों को जेल भेज दिया है और इस गैंग से जुड़े बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। मुकदमा अपराध संख्या 6/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में राहुल और टिंकू दो लोग थे, दो जो हमारे फरार चल रहे थे जिनपे 5,000 रुपये का रिवार्ड था, उनकी आज हमने गिरफ्तारी कर ली है। सर इन पर कितने मामले दर्ज थे और सर किस गैंग के? गैंगस्टर एक्ट है और इसके अलावा भी 6-7 मुकदमे आए। कहल्ला में 10 दिन पूर्व महिला से रेप के प्रयास में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की है। गिरफ्तारी न होने पर पीड़िता ने अपने परिवार सहित आत्मदाह की चेतावनी दी है। दरअसल पूरा मामला जनपद शामली के कहल्ला थाना क्षेत्र के रहमत कॉलोनी का है, जहां पर 10 दिन पूर्व एक महिला से पड़ोसी दो युवकों ने गैंगरेप का प्रयास किया था। घटना उस समय की थी जब महिला अपने घर में अकेली सोई हुई थी। इसी दौरान पड़ोस के दो युवक घर में घुस आए और महिला के साथ तमंचे के बल पर रेप करने का प्रयास करने लगे, जिसके विरोध में महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ऊपर छत पर सो रहे पति ने महिला की आवाज सुनकर जैसे ही वहां से नीचे आया तो आरोपी दोनों युवक वहां से फरार हो गए थे। महिला का आरोप है कि दबंगों ने मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित महिला व उसके पति ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी थी और उक्त दोनों लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया था, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़िता पिछले कई दिनों से लगातार थाने के चक्कर लगा रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित महिला और उसके पति का कहना है कि अगर आरोपियों पर जल्द ही कार्रवाई नहीं होती है तो वो दोनों परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब महिला व उसके पति को मामले में समझौता न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। कहल्ला से न्यूज 7 के लिए नासिर अली की रिपोर्ट। पूरा मामला जी, मैं अपने घर पर सो रही थी और दो आदमी मेरे घर में घुस गए। एक मेरे सोते हुए का तमंचा लगा दिया। तमंचा लगाने के बाद मेरी आंख खुली, मैं कहा भैया क्या कर रहे तुम? तो जी मुझे बोलन भी नहीं दी, मेरे सारे कपड़े फाड़ दे, नंगी कर दी, मेरी बुरी हालत कर दी बहुत ज्यादा। अच्छा तमंचा लगा रखा था, एक तो मुंह लपेट रखा था, दोनों ने एक का मुंह खुल गया, हत्ता पाई में तो मैं पिछान लिया साबिर है, और जो दूसरा था उसमें पिछान नहीं पाई, मुझे बुरी हालत कर दी, बहुत बदतमीजी करी मेरे साथ में, नंगे कर दी बिल्कुल। अच्छा जब शोर शराबा सुनकर परसा मेरे पति आए, मेरे जिन्ने मार लिए,
फिर वे कहने गए इनको क्या आया उन्हें भी धमकी दे गए इनको जो शोर शराब पकड़ेगा तो गोली मार देंगे तेरे भी। कितने समय हो चुका इस बात इसको जी? करीबन 10 दिन हो लिए होंगे। तो पुलिस ने इसमें अब तक उनकी पुलिस ने जी कोई गिरफ्तारी नहीं करी, कोई सुनाई नहीं कर रही जी। गरीब आदमी की सुनाई नहीं हो रही कुछ भी। तो जिस तरीके से पुलिस 10 दिन बीत चुके अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, अगर आगे भी नहीं हुई तो आप? आगे भी नहीं हुई जी, जब अपने माग लगा कर अपने आत्महत्या कर लूंगी जब मेरी नहीं सुनाई होगी। मैं गरीब नहीं हूँ, गरीब हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। मैं अपने आत्महत्या कर लूंगी, माटी का तेल छिड़कता है जो मेरी नहीं सुनाई होगी। मामला ये था जी, तू नीचे लौटी थी कमरे में, ऊपर लौट रहा था। हाँ। ये दो आदमी आए रहा के उन्होंने बुरी संगी लालत करी, जैसे चिल्लाए रोई जी जाई, तो मैं ऊपर से आया, फिर मोहल्ले वाले मेरे साथ आए, कपड़े पूरी आदत में बिल्कुल नंगे उस थान में पड़े थे। 10 दिन की बात हो जी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। एसओ के हम पहुंच गए, सीओ के हम पहुंच गए, सब गए, एसपी के हम पहुंच गए, कई कई बार जा लिए हमारी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। फिर तो हम एक काम करेंगे, बस जाके एसपी के वहां से आत्मदाह करेंगे। और हमारे बस की कोई नहीं, गरीब आदमी इन्होंने हमारे घर पर आ गए, उनके माँ बाप भी हमारे धमकी दे। अब किस तरीके की धमकी? बोला जी धमकी ये देता तो हमें रोड पे चीचड़े उड़ा देंगे, तो मार देंगे, तो फंसा देंगे, तो मनु कर देंगे, ऐसे जी धमकी दे रहे। बस जो हमारी बुरी हालत हो रही जी। कितने लोग थे जो घर में घुसे थे? घर में घुसे थे जी 2 लोग थे। क्या नाम है? एक का साबिर है, एक का दूसरे का पता नहीं, हम दूसरे का जाबिर बता रहा था। शामली नगर के मोहल्ला बरखंडी स्थित वीरो वाले मंदिर में एक युवक ने भगवान भोलेनाथ का नाग वरदान पात्र चोरी कर लिया। मंदिर से बाहर आते समय भीड़ ने उसे घेर कर दबोच लिया और पिटाई कर दी। भीड़ ने मंदिर से चुराए नागदेव का वरदान पात्र को बरामद कर आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बरखंडी रोड स्थित वीरो वाले मंदिर में सवेरे एक युवक जा घुसा। वहां से वह भोलेनाथ का नाग देवता व दान पात्र चोरी कर ले आया, लेकिन जैसे ही वह मंदिर से बाहर आने लगा तो पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने देख लिया। उन्होंने शोर मचा दिया, युवक मंदिर की दीवार फांद कर भागने लगा, लेकिन भीड़ ने उसे दबोच लिया। सूचना पर बजरंग दल कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। भीड़ ने पकड़े युवक से उसका नाम व पता पूछा तो लोगों को गुमराह करते हुए अपना गलत नाम बताया। नाम पता गलत बताने पर गुस्साई लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। तब उसने अपना नाम सोहिल पुत्र साबिर निवासी पंसारियान बताया। सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तब भीड़ ने आरोपी चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। मोहल्ले वासियों ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या मामला हुआ जो चोर पकड़ कर लाए? ये जो कई दिन से लग रहे थे चोरी कर रहे थे, पहले भी इन्होंने चोरी करी जी। तो आज चलिए मंदिर से दान पात्र और शेषनाग जी की मूर्ति जो उठा के ले जा रहे थे, शेषनाग जी की मूर्ति उठा के ले जा रहे थे। मैंने जो है रुका उतारा तो 5-4 मोहल्ले के आदमी हुए, उन्होंने इनको जो है पकड़ा और तो इनसे ये बरामद सामान हुआ, शेषनाग की मूर्ति और दान पात्र। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज 7। ओसो दी पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, प्रवेश प्रारंभ, पी नर्सरी से कक्षा 9 तक, प्रशिक्षक एवं योग्य स्टाफ, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, वातानुकूलित अत्युत्तम प्ले क्लासरूम, खेल खेल में शिक्षा, डिजिटल स्मार्ट क्लास, खेल कूद डांस के साथ ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। ओसो पब्लिक स्कूल, चौधरी चरण सिंह कॉलोनी, बाजार रोड, शामली। फोन नंबर 01398520960, मोबाइल 9657901617, 9759381617। ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल, कैराना रोड, शामली। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, विश्वसनीय व किफायती चिकित्सालय, कम खर्च में सर्वोत्तम व संपूर्ण इलाज, आधुनिकतम चिकित्सा सेवाएं, सीटी स्कैन, टीएमटी, ईसीजी, लेजर फिजियोथेरेपी, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि सेवाओं से सुसज्जित।
ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल कैराना रोड शामली। कॉन्टेक्ट नंबर 8171617474 7055757000। वंदे फिर से स्वागत है। थाना बाबरी क्षेत्र के गांव बुटराडा में दो युवकों को चौराहे पर हजारों गांव वासियों पुरुष महिलाओं के सामने रस्सियों से बांध कर यातनाएं दी गई। इनका अपराध यह है कि इन दोनों युवकों ने गांव के एक खेत से भैंस चुरा कर उसे बेचने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवकों को इस तालिबानी पंचायत के चुंगल से आजाद कराया और अपने साथ ले गई। दरअसल मामला थाना बाबरी क्षेत्र के गांव बुटराडा का है, जहां बीती रात तीन चोरों ने किशनपाल की भैंस को चुरा लिया था। जहां तीन चोर भैंस को जिला मेरठ की मंडई पीठ में बेच रहे थे, चोरों ने भैंस को 80,000 में बेच दिया। वहीं चोरों की तलाश करते हुए किशनपाल भी मौके पर पहुंच गया। किशनपाल ने तीन चोरों में से दो को पकड़ लिया, वहीं चोरों का एक साथी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए एक चोर का नाम पंकज है, जो गांव बुटराडा का ही रहने वाला है। वहीं पकड़े गए चोरों को गांव बुटराडा में लाया गया। इन चोरों को गांव के सैकड़ों लोगों के बीच तालिबानी सजा दी गई। पहले तो दोनों चोरों को एक साथ एक रस्सी में बांधा गया, फिर दोनों को रस्सी से पीटा गया। इतना ही नहीं, पिटाई के साथ साथ चोरों के कैंची से बाल भी काटे गए। वहीं एक चोर पर एक युवक ने लगभग 50 से ज्यादा बार अंधाधुंध बेल्ट भी बजाई। वहीं किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों चोरों को गांव के सैकड़ों लोगों से बंधन मुक्त कराकर अपने साथ ले गई है। गनीमत यह रही, पुलिस समय रहते पहुंच गई, वरना किसी बड़ी घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है। घटना के बारे में थाना अध्यक्ष बाबरी का कहना है कि दोनों युवकों को पंचायत ने बंधक बना रखा था, उन्हें मुक्त करा लिया गया है। पकड़े गए युवकों ने अपना चोरी का जुर्म कबूल किया है, उन्हें जेल भेज दिया है। पंचायत के जिन लोगों ने मारपीट और बाल काटने की घटना की है, उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के हॉस्टल में बदमाशों के घुसने से हड़कंप मच गया। छात्राओं के शोर मचाने पर बदमाश भाग गए। असुरक्षा की भावना के चलते छात्राओं में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं छात्राओं ने रात भर लाठी डंडे लेकर पहरा दिया। जनपद शामली के पुलिस लाइन के पीछे राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिसमें छात्रावास भी बना है। उसमें करीब 200 छात्राएं पढ़ती हैं। बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से कुछ शरारती युवक कॉलेज के पीछे खेतों में दिखाई दे रहे हैं और कॉलेज की छत पर भी चढ़ जाते हैं, जिससे छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। युवकों की हरकतों से छात्राएं परेशान आ चुकी हैं। सोमवार रात छात्राओं ने लाठी डंडे लेकर पहरा देना शुरू कर दिया। छात्राओं का आरोप है कि कई बार इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन उन्हें खुद ही
पहरा देना पड़ रहा है। सूचना पर शामली कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और खेतों में युवकों को तलाशने का प्रयास किया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने छात्राओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। नगर कोतवाली के SSI सतपाल सिंह ने बताया कि महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे बदमाशों के घूमने की सूचना मिली थी। पुलिस वहां पहुंची लेकिन बदमाश नहीं मिल पाए हैं। क्षेत्र में पुलिस को गश्त करने को कहा गया है। अभी हम देख क्या सारे खेतों सर्च करा, हमें कोई नहीं मिला फिलहाल प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, अगर तुम्हें ना इस टाइम में देखो नंबर मेरा तुमने लिख लिया, चाहे रात के 12 बजे बुलाओगे 2 बजे बुलाओगे, हम तुम्हें यहाँ मौजूद मिलेंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं आप लोगों को बिल्कुल भी। ठीक है, आराम से रहो, बिल्कुल वार्डन तुम्हारे साथ आएंगे, इनका नंबर ले लो आप। रात दो फोन किया इन्होंने, उठ के मेरी तबीयत खराब थी, तुरंत फोन देखा वहाँ पर कहीं मिला कुछ, फोन करो तुरंत आप इन्हें, और जैसी कोई समस्या हो तो ये अपना तुम्हारा हैंडल करेंगे, हमें फोन करेंगे। ठीक है, घबराओ मत बिल्कुल भी। अब क्या दिखाई दिया अभी कोई नहीं, हम देख के आए, उधर से तो आए, सारे में घूम फिर के तो आए, अभी कि वो चले गए हो, लेकिन हम लोगों ने खुद देखा था। मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें बताया, तुम नंबर लिख लिया मेरा, रात के 2 बजे फोन करोगे तो मैं यहाँ मौजूद रहूंगा। ठीक है, लेकिन फोन होना चाहिए, यहाँ कोई ऐसा ना फोन करो आप यहाँ आए और आपको कुछ भी लेना। ठीक है बस, और हल्ला गुल्ला मत करना बिल्कुल भी, ऐसा शो करना कि वो कुछ तुम लोग कुछ नहीं जानते। ठीक है बस, वो जिम्मेदारी हमारी है, आके हम देख लेंगे। ये वार्डन तुम्हारे हैं, इनका प्रॉपर जो है फोन बुक इन कॉन्टैक्ट में रहो, इनके साथ कोई दिक्कत परेशानी हो इन्हें तुरंत फोन करना। ठीक है, मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में गोगाजी महाराज की शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ अखिल भारतीय खटीक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश चौहरी ने किया। मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में गोगाजी महाराज की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ अखिल भारतीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश जोहरी ने किया, जिसके पश्चात यात्रा चमनलाल के आवास से शुरू होकर चमरण पुलिया, कहनला रोड, बड़ोत रोड आदि कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई वापिस गोगामाढ़ी पर जाकर सम्पन्न हुई। शोभा यात्रा में बनी झांकियां सुंदरता का परिचय दे रही थी। झांकियां इतनी सुंदर थी, जहां से भी गुजर रही थी वहीं लोगों का जमावड़ा लग जाता था। पूरी तरह झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर फल कुमार पवार, उपाध्यक्ष जयपाल ठाकुर, कोष अध्यक्ष चमनलाल पवार, विनोद जांगेड़, नीरज उपाध्याय, मदन शर्मा, रामपाल रुहेला, कुलदीप कुमार, कांता शर्मा, हिमांशु, आकाश, शिव कुमार, सोनू पवार, अर्जुन पवार, ऋतिक पवार, देव पवार, श्लोक पवार, रामकुमार कश्यप सहित हजारों लोग मौजूद रहे और पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा। बुढ़ाना से News 7 के लिए गौरव पवार की रिपोर्ट। इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।